भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों को बताया कि कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की हुई मौत के मामले को लेकर सदन में सवाल उठाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। मैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से शिकायत करूंगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू चिकित्सालय में एक बहुत बड़ा हादसा भोपाल का हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे नवजात शिशु जिनको हम बचा नहीं पाए, इस गंभीर पेशेंट को मैंने लगाया था और आज चर्चा में आया। दुर्भाग्य कि हम लोग चर्चा चाहते थे लेकिन हाउस के क्वेश्चन का पीरियड पूरा के पूरा स्थगित कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन में जो जानकारियां मांगी थी उसमें सरकार स्वीकार कर रही है। एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि चार लोग मरे और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि पांच लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि चार मृत्यु हुई और पांच का मुआवजा दिया, तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। एक मैंने प्रश्न पूछा था कि इस हानि में FIR अभी तक क्यों नहीं हुई, तो गृह मंत्री कहते हैं कि इस पे मर्ग कायम है और मर्ग कायम के चलते अभी जांच चल रही है। और चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है, यानी पूरा लीपापोती सरकार कर रही है और ऐसे गंभीर विषय को इस तरह से लीपापोती करना। और एक मेरे प्रश्न का उत्तर ही गायब कर दिया। मैंने पूछा था, प्रश्न ही बदल दिया। मैंने पूछा था कि 8 से 15 तक कितनी बच्चों की मृत्यु कमला नेहरू शिशु में हुई, तो 8 का तो हवाला दिया और 8 के बाद से 15 तक का गायब ही, और 8 का पूछा विधानसभा की तरफ से। ये तीनों गंभीर मामले हैं, इसको मैं अध्यक्ष महोदय को भी अवगत कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि बाकी बात पीसी भाई आपसे करें, इससे ये सिद्ध होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।